में जब सब कुछ ठहर गया था तो उस वक्त प्रशासन के साथ आगे मिलकर आगे आई इसका सहयोग करने के लिए समाजसेवी संस्थाएं और महिलाओं ने भी ये बीड़ा उठाया। प्रोत्साहन चैरिटेबल ट्रस्ट की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, सेक्टर 9 में तमाम महिलाएं ऐसी हैं जो घर संभाल रही हैं, खुद की सेहत को संभाल रही हैं और उसके साथ साथ समाज के लिए भी काम करने का बीड़ा उठाया है। और आज यहाँ पर सेक्टर 6-7 फरीदाबाद के लेबर चौक पर गरीब मजदूरों के लिए, लोगों के लिए, राह चलते लोगों के लिए यहाँ प्याऊ की शुरुआत की है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जो है पार्षद है गणेश अदलखा जी, उन्होंने शिरकत की है। सर, कितना पहले तो मैं चाहूँगी कि गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आपके वार्ड की महिलाएं हैं और आज पुरुषों से भी आगे बढ़कर काम कर रही हैं, समाज के लिए काम कर रही हैं आगे आकर। पूजा जी, मैं तो इतना गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरे वार्ड के अंदर अग्रवाल सेवा सदन है, राजस्थान भवन है, तेरा पंथ भवन है, लोग जाते हैं सरकार से साइट मांगने के लिए और अग्रवाल समाज ने अपने पैसे से इकट्ठे होकर के अग्रवाल सेवा सदन बनाया, तेरा पंथ भवन बनाया, राजस्थान भवन बनाया। आज प्रोत्साहन की मेरी बहनों ने मिलकर के ये बीड़ा उठाया है कि जहाँ जहाँ पर भी पानी की दिक्कत होती है लेबर चौक्स पर मजदूर लोगों को, उन सब लोगों के लिए पानी की कैसे उपलब्धता हो सुगम तरीके से, उसके लिए आज तीसरा या चौथा प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू कर दिया है। और मुझे उम्मीद है कि लगभग 40 से 50 के आसपास ये बहुत जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। पानी की हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ ये होता सिस्टम का नहीं है कि अब इन्होंने जो पानी लगा दिया, जिसको पीना पानी पी करके बंद कर देगा, अदरवाइज़ क्या होता है लोग पाइप काटते हैं उसमें से पानी पीते रहते हैं, पानी हमारा वेस्ट भी जाता है। तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इनके साथ साथ मेरे सब भाइयों का भी, जो इनको हर तरीके से, क्योंकि हर एक परिवार के अंदर जो परिवार का मुखिया हिंदुस्तान के अंदर रहता है, वो किसी न किसी व्यक्ति को रखा जाता है और वो व्यक्ति किसी न किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का ससुर है। उनने सबने परिवार ने इनको छूट दी और ये लोग बढ़कर के आज समाज की सेवा कर रही हैं। मैं दोनों को, मेरे भाइयों को भी और मेरी बहनों को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस तरीके का काम बीड़ा लिया है। मैं आगे भी उम्मीद करता हूँ कि वृक्षारोपण में भी ये लोग आगे बढ़कर काम करें। सर, फरीदाबाद के लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि कोरोना केसेस अब बहुत कम हो गए हैं, तो ऐसे में क्या उम्मीद जताई जाए कि सरकार लॉकडाउन एक्सटेंड करेगी, क्योंकि आप सरकार का भी हिस्सा हैं, या फिर अभी और एहतियात बरतने की ज़रूरत है, इसलिए जो है सावधानी के साथ लॉकडाउन बरकरार रखा जाएगा और साथ साथ लोगों को हिदायतें भी दी जाएंगी। राह चलते गाड़ी से टक्कर मारोगे तो मौत नज़दीक आएगी, कोरोना गया नहीं। आपने अपने आप को संभाला, लगभग हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी के अंदर 21 दिन तक पूरा लॉकडाउन रहा, जब चक्का जाम रहा तो पर्यावरण के अंदर, मौसम के अंदर आपने पिछले 20 दिन में बदलाव देख लिया होगा। यह साबित करता है कि पर्यावरण और सृष्टि आपसे कुछ उम्मीद करती है। तो आप लोग अपने आप को बचाना चाहते हो तो मास्क का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि काम जरूर जाना है, व्यापार जरूर करना है, सब चीज़ करनी है, लेकिन बगैर मास्क लगाए आप लोग ना जाएं। सर, क्या लगता है कि आगे किस तरह से सरकार को निर्णय लेना चाहिए, आप लोगों के बीच में रहते हैं, आप बताएंगे सर लॉकडाउन को लेकर क्या सोच है कि सर काफ़ी चीज़ें नियंत्रण में आ गई हैं, अब क्या कुछ सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए? मेरे हिसाब से तो सरकार को धीरे धीरे करके लॉकडाउन को खोलते जाना चाहिए जी। तो जैसे अभी आधे दिन के लिए बाजार खोले हैं, तो अभी 2 घंटे इसमें और बढ़ा दें, जैसे जी ऑड इवन किया हुआ है उसे खत्म कर दें, तो धीरे धीरे इस तरह से, यानी छूट के साथ लॉकडाउन एक्सटेंड किया जा सकता है। आंटी, आपका क्या नाम है? मिनी अग्रवाल। आप इस एज में भी यहाँ पर समाज सेवा के लिए, लोगों के लिए यहाँ पर आगे खड़ी हैं, जो यंग जनरेशन है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्योंकि जो परिस्थितियाँ चल रही हैं समाज को बहुत ज़रूरत है एकता की, यूथ को आगे आने की। इनको ऐसा, इनको आगे बढ़ के जो लोग बारे में नहीं समझते हैं उनके लिए इनको अवेयरनेस देनी चाहिए। कोई अगर गलती करता है तो इसको समझाएं, अपने घर में जो काम करने आते हैं उन लोगों को भी बोलिए। तो जो आपके काम करने वाले हैं या आस पड़ोस में हैं या आप देखते हैं कहीं, तो उनको हमेशा अवेयर कराएं कि देखो ये बहुत ख़राब बीमारी है, आप लोग इससे बचने के लिए आप लोग मास्क लगाएं और आगे। बिल्कुल, जागरूकता बहुत ज़रूरी है। पवन गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर शिक्षाविद भी हैं। सर, परिस्थितियाँ चल रही हैं क्योंकि शिक्षाविद हैं, तो मैं उसी हिसाब से आपसे बात करूँगी कि बच्चों की मनस्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बच्चों एक शिक्षाविद होने के नाते उन्हें क्या कहना चाहिए? जो सिर्फ हिंदुस्तान या हरियाणा नहीं, पूरी दुनिया इस
प्रॉब्लम से जूझ रही है। जैसे आपने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को 2 महीने कड़ी मेहनत के बाद ये फैसला करना पड़ा कि 10th और 12th के एग्ज़ाम नहीं ले रही है। हालांकि समाज में इसकी मिक्स रिएक्शन है, लेकिन ऑन दी होल पेरेंट्स, बच्चे, अध्यापकगण, समाज सरकार के इस निर्णय से बहुत ज़्यादा खुश है। बिल्कुल, क्योंकि जीवन सर्वोपरि है। मैम, आपका क्या नाम है? प्रतिमा जी, प्रोत्साहन ग्रुप का आप हिस्सा हैं, कैसा लगता है जब आपके घर के लोग, आपके सहयोगी रिश्तेदार, आप जब काम करते हैं समाज सेवा के लिए और आपको प्रोत्साहन उससे मिलता है? दिशा में होना चाहिए, सही जगह जरूरत पहुंचनी चाहिए। बहुत सारे एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ। आई वर्क लाइक अ फ्री सोल, किसी के साथ कोई ट्रस्ट मेंबरशिप बनने का कोई मतलब नहीं है। हार्ड एंड मनी है, पति भी नौकरी करते हैं, हमेशा नौकरी में ही देखा है, दादाजी भी कमिश्नर थे, तो हमेशा ये देखा पैसा करो लेकिन उसको दिमाग लगा के खर्च करो, ये प्याव बनी हमेशा के लिए रहेगी। इसमें कितने लोगों का भला होगा जिनको हम नहीं जानते। डू द सर्विस फॉर द अदर्स जो हमें नहीं जानते। इट शुड बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड अवर होराइजन। बिल्कुल, यानी सेवा के लिए पैसे की नहीं, सोच की ज्यादा जरूरत होती है। मैम, आपका क्या नाम है? आभा शर्मा। आभा जी, पहले तो मैं चाहूंगी कि जो आपकी संस्था काम कर रही है उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। हमारी संस्था एक सामाजिक संस्था है, सामाजिक कार्य कर रहे हैं। हम लोग मेडिसिन उपलब्ध करवाते हैं, उसके लिए हमने डिस्पेंसरी बनाई हुई है। पानी का हमने सब जगह, ये हमारा चौथा प्रोजेक्ट है और हमारी इच्छा है कि हम इसको एक्सटेंड करते रहें जी। और बहुत सारे कार्य कर रही है जी। बिल्कुल, और एक हमारे साथ शहर की महिला समाज सेवी यहाँ पर रमा शर्मा मौजूद है, प्रोत्साहन ग्रुप का भी रमा जी। इन सबके बीच में एक बहुत बड़ी बात कई लोगों ने दोहराई है कि इस कोरोना ने हमें बता दिया है कि पेड़ हमारे जीवन के लिए कितने आवश्यक हैं। आप काम करती हैं उसके लिए, तो क्या कुछ अपने स्तर पर आप जागरूकता फैलाएंगे? जैसा कि हमने देखा ऑक्सीजन के लिए कैसे लोग मारे मारे फिर रहे थे, तो ऑक्सीजन अगर हम नेचुरल वे से क्यों नहीं करें, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत ही क्यों पड़े सिलेंडर्स की ढूंढने की और हॉस्पिटल्स में बेड्स की। ज़्यादा जो पेशेंट्स थे उनको ऑक्सीजन की ही प्रॉब्लम थी, इसीलिए वो हॉस्पिटल्स में भाग रहे थे। तो हमने अभी अपने स्तर पे सिलेंडर और रिकोगनाइज करवाए रेड क्रॉस के साथ मिलकर, हमने भी बहुत काम किया है इसके लिए, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए। पर मेरा ये मानना है कि हम ऑक्सीजन को नेचुरली जनरेट करें। हम पेड़ काट तो रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, कहीं पे घर बन रहे हैं, कहीं पे बिल्डिंग्स बन रही हैं, पेड़ कट रहे हैं, पर उनको दोबारा कहाँ, उनकी पूर्ति कैसे करनी है? हर प्राणी के लिए ये आवश्यक है कि वो अपने जीवन में कम से कम। कोरोना काल में बहुत कुछ जो है ये समय देकर गया है, और एक बात लोगों को समझ लेनी चाहिए कि कोरोना से सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, यानी कि हमें अभी भी सावधानी बरतनी है। और जिस तरह से फरीदाबाद में प्रोत्साहन ग्रुप की महिलाएं काम कर रही हैं, अपने महिलाओं को भी प्रेरित कर रही हैं कि वे आगे बढ़कर न केवल अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए काम करें, बल्कि समाज में भी अपना व्यापक योगदान दें। फरीदाबाद से पूजा शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।